हाय गाइस, तो आज मैं करने जा रहा हूँ अनबॉक्सिंग मी बैंड 3 की, जो कि माना जा रहा है बेस्ट बजट फिटनेस ट्रैकर। तो देखते हैं कैसा रहेगा प्रोडक्ट, क्या हमें फीचर्स मिलेंगे इस मी बैंड 3 के अंदर। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। मिल जाती है, इस तरफ कुछ भी नहीं है, इस तरफ भी आपको मी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, इस तरफ भी कुछ नहीं है, और पीछे की तरफ आपको इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे मिल जाते हैं। तो चलिए सीधे हम इसे अनबॉक्स करते हैं। ये वो आपको बैंड देखने को मिल जाता है जिसमें कि ये ऐसे लगेगा। साथ ही साथ आपको बॉक्स में, बॉक्स के अंदर आपको एक मैनुअल देखने को मिल जाती है, यूज़र गाइड मैनुअल। और एक चार्जिंग केबल। तो ये थे कुछ इसके बॉक्स कंटेंट्स, तो इसे हम अब साइड में रखते हैं और बात करते हैं अब हमारे मेन बैंड की। तो ये रहा हमारा मेन बैंड, उम्मीद है कि इसमें बैटरी होगी। जी हाँ, इसमें बैटरी है। तो इसे हम इस पे पहले इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारा बैंड। तो इसमें पहले तो मुझे ये इस डिवाइस को मोबाइल से कनेक्ट करना होगा, तो इसके लिए मुझे MI फिट की ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए फटाफट वो हम कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको मी फिट ऐप को ओपन करना है, फिर यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, साइन इन या फिर साइन अप। तो गाइस, मैं फटाफट से साइन अप करके आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस, साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा आएगा नो पेयर डिवाइस, आप इसमें क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे आपको बैंड को सिलेक्ट करना है और ये जो भी परमिशन मांगेगा उसको ओके कर देना है। अब यहाँ पे इसने बैंड को ढूंढ लिया है। अब आपको बैंड में ये जो इसकी ये बटन दिख रही है, यहाँ पे आपको टैप करके रखना है, टैप द बटन। देख सकते हैं आप, पेयरिंग चालू हो गई है। अब यहाँ पे इसका कुछ ये टिप्स बता रहा है। अब यहाँ पे ये अपडेट हो रहा है, तो चलिए अपडेट होने के बाद देखते हैं अब हम इसमें क्या क्या होगा। तो गाइस, यहाँ पे हमारा जो मी बैंड है वो फुल्ली अपडेटेड हो चुका है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली इसमें टाइम देखने को मिल जाता है, डेट देखने को मिल जाती है और डे। उसके बाद अगर आप नीचे स्वाइप करते हैं तो आपको स्टेप्स देखने को मिल जाती है, आपने कितने स्टेप्स चले आज। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्टेंस देखने को मिल जाता है, उसके बाद आपने कितनी कैलोरीज बर्न करी वो, और उसके बाद बैंड की बैटरी। उसके बाद आप नीचे स्वाइप करेंगे तो आपको हार्ट रेट देखने को मिल जाएगा। देखिए, जैसे ही मैं इसे प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखिए जो ये सेंसर है ये एक्टिवेट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे ट्राई करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे इसने बता दिया 88 BPM। ये तो बात हो गई हार्ट रेट की। उसके बाद देखते हैं इसमें और क्या फीचर्स दिए। तो यहाँ पे आपको वेदर देखने को मिल जाता है, आज का वेदर है ये करंट, और ये कल का, और ये मंडे का, मतलब ये डे आफ्टर टुमारो। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ये ट्रेडमिल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और एक और एक्सरसाइज का। तो इसे आपको ऑन करना पड़ेगा जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तब, या फिर आप जब ट्रेडमिल मतलब भाग रहे हो तब। उसके बाद नीचे आपको नोटिफिकेशंस का वो देखने को मिल जाता है। इसमें जैसे ही अगर ये बैंड आपके मोबाइल से अभी कनेक्टेड है ब्लूटूथ से, जैसे आपके मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आएगा तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद नीचे की तरफ आपको मोर में देखने को मिल जाएगा एक स्टॉप वॉच। चलिए इसे भी हम एक्टिवेट करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो स्टॉप वॉच है वो चालू हो गई है। इसे पॉज करने के लिए बस आपको ये जो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो ये पॉज हो गया। अब यहाँ पे आपको टैप एंड होल्ड टू रीसेट करना है, मतलब आपको इसे दबा के रखना है रीसेट करने के लिए। तो ये रीसेट हो गया। उसके बाद साइड में आपको यहाँ साइलेंट का देखने को मिल जाता है। इसे अगर आप दबा के रखेंगे तो आपका जो फ़ोन है वो साइलेंट पे चल जाएगा, और अगर आपका फ़ोन साइलेंट पे है तो वो साइलेंट से हट जाएगा। उसके बाद यहाँ साइड में आपको फाइंड माई डिवाइस का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपका बैंड कनेक्टेड है और आप इसे प्रेस करके रखेंगे यहाँ पे टैप एंड होल्ड, तो ये आपके डिवाइस में एक रिंग बजेगी, तो उससे आप अपना डिवाइस भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है स्क्रीन का। तो यहाँ पे आपको कुछ थीम्स देखने को मिलती है, जैसे कि ये, और ये 3 थीम्स है, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे मैं अभी इस वक्त याली थीम सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए जैसा आप देख सकते हैं याली थीम यहाँ पे आ चुकी है। तो बस यही थे कुछ इसके फीचर्स। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं करा है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।